वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं आज के लिए आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगी लहसुन की चटनी की रेसिपी, और ये एक राजस्थानी डिश है। अगर आप राजस्थान में किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल वगैरह में जाते हैं डिनर के लिए, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो लहसुन की चटनी वो ज़रूर परोसते हैं हर डिश के साथ। तो आइए पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। आपको चाहिए होगी लहसुन इस तरह से छिली हुई, काफी ज्यादा अमाउंट में आप यूज कर सकते हैं। टमाटर मैं एक यूज कर ले रही हूँ छोटे वाला। प्याज कटी हुई, अदरक, और मुझे सोक्ड आपकी रेड मिर्ची चाहिए होगी। इसको आप रात भर डिप करके भी रख सकते हैं या 1 आवर के लिए रख लें। थोड़ी सी मैं इमली भी यूज करूंगी। राई, जीरा मसाला, रेड मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, और आपको थोड़ी सी सरसों तेल चाहिए होगी। तो आइए मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, लहसुन एक आपको इन सबको ग्राइंड करना है, सब कुछ मिक्स करके। मैंने लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, टमाटर और प्याज। ध्यान रहे लहसुन की जो क्वांटिटी है वो आपको ज्यादा रखनी है। अब आपको इस सबको ग्राइंड करना है। चाहे तो आप इमली भी इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो इमली का वाटर भी आप यूज कर सकते हैं बाद में। और अब आपको इसमें हल्का सा वाटर डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। अब ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया है अपना सारा मिक्सचर। अब आपको क्या करना है, कढ़ाई में या पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने को रख दें। जैसे आपको ऑयल गर्म हो जाएगा आपने इसमें जीरा और राई डाल देनी है। और इसे आप लाइट ब्राउन होने दें। और जैसे ही आपका जीरा और राई पक जाएगा आपने इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देना है। और ये अपना मिक्सचर डाल रही हूँ। हल्का सा वाटर ऐड आप इसमें कर लें थोड़ी देर से। और अब आपने इसमें हल्की सी नमक स्वाद अनुसार, रेड मिर्ची पाउडर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तो हमने रेड मिर्च जो सोक की हुई थी उससे ऑलरेडी कलर आ गया है। दो से तीन मिनट तक इसे पकाएं, थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। जैसे आपकी चटनी ये गाढ़ी हो जाएगी आप इसे सर्व कर लें। अभी आपकी गाढ़ी हो गई है, अगर आपको थोड़ी सी वॉटरी करनी है तो आप वॉटर ऐड कर सकते हैं हल्का सा, अदरवाइज ये चटनी गाढ़ी ही होती है। और अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ गैस ऑफ करके। तो ये है आपकी लहसुन की चटनी। इसे आप चपाती के साथ, परांठे के साथ, कचौरी के साथ, या फिर आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें ज़रूर बताएं। आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।